नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टर्री तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव नरेंजन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और साथ ही साथ अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम आज बात कर रहे हैं आपसे यूपीटीईटी 2020 ऑनलाइन बैच की, जिसमें आपको डेमो दिए जा रहे हैं और उसमें मैं आपको पर्यावरण समझा रहा हूं, पर्यावरण पढ़ा रहा हूं। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी किस प्रकार से अंतर संबंधित है, इन सारी चीजों को आपको समझाया था। उसी के आगे एक नया टॉपिक है आज, और जो नया टॉपिक है, इस नए टॉपिक का नाम है जैव विविधता। जैव विविधता टॉपिक जो हमारा है, इस टॉपिक का नाम है जैव विविधता। इंग्लिश में इसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। इंग्लिश में इसे नाम दिया जाता है बायोडायवर्सिटी, ठीक ना। जो जैव विविधता शब्द है, प्रत्येक बार यूपीटीईटी के द्वारा यहां से एक से दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और साथ ही साथ सुपर टेट में भी यहां से एक से दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अगर हम बात करते हैं जैव विविधता, तो जैव विविधता शब्द, सबसे पहले जैव विविधता शब्द की जो परिभाषा है, या जैव विविधता शब्द को सबसे पहले डिफाइन किया गया डब्ल्यू सी रोजेन महोदय के द्वारा सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया और जैव विविधता की डेफिनेशन समझाई गई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसी भी परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतु, पाए जाने वाले पेड़ पौधे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और उनकी जो भिन्नता है, उनकी इस भिन्नता को ही इन्होंने नाम दिया जैव विविधता। अगर हम सामान्य शब्दों में, सिंपल से शब्दों में कहें, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले कई जीव जंतु एवं कई वनस्पतियों के सम्मिलित रूप को जैव विविधता कहते हैं, ठीक ना। देखिएगा, इस डेफिनेशन को हम और अच्छे से आपको समझाते हैं। देखिएगा बाबू, यहां पर दो शब्द हैं, एक है जैव, एक है विविधता। एक शब्द जैव, दूसरा शब्द विविधता। तो अगर हम बात करते हैं जैव की, तो यहां पर जैव का अर्थ होता है जीव जंतु, जैव का अर्थ है जीव जंतु, और विविधता का अर्थ है भिन्नता। विविधता का अर्थ क्या है, तो विविधता का अर्थ है भिन्नता, ठीक ना। जैव का अर्थ जीव जंतु, बल्कि हम यहां पर जीव जंतु प्लस पेड़ पौधे भी लिखेंगे, क्योंकि जैव के अंतर्गत सजीव आते हैं और पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है कि सजीव के अंतर्गत हम जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों को शामिल करते हैं, तो जीव जंतु एवं पेड़ पौधे। तो एक ऐसा स्थान जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के, कई प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उनकी जो विशेषता है, इस विशेषता को ही नाम दे दिया गया बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। क्या नाम दिया गया, नाम दे दिया गया जैव विविधता, या इंग्लिश में बोले तो बायोडायवर्सिटी, ठीक ना। देखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के सम्मिलित रूप को, पेड़ पौधों के सम्मिलित रूप को जैव विविधता कहते हैं। सम्मिलित रूप को जैव विविधता कहते हैं। किसी भी स्थान पर कई प्रकार के जब जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाएंगे, तो इसी को नाम दे दिया हमने क्या, इसी को नाम दे दिया जैव विविधता, ठीक ना। चलेगा, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगर हम बात करते हैं जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक,
जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक ना, अगर इसकी बात की जाए। देखिएगा तो जैव विविधता के अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों शामिल हैं। तो पेड़ पौधे, ठीक ना, अगर हम बात करें यहां पर मैं समझा रहा हूं पेड़ पौधे, और हमने पहले भी आपको बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इनको एक नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया उत्पादक। क्या नाम दे दिया गया? उत्पादक। जहां पर उत्पादक अधिक होंगे, जहां पर पेड़ पौधों की संख्या अधिक होगी, सीधी सी बात है वहां पर जीव जंतु भी अधिक पाए जाएंगे, क्योंकि जीव जंतु परपोषी होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, वह अपने भोजन की प्राप्ति कहां से करते हैं? उत्पादक से, अर्थात कहां से करते हैं? पेड़ पौधों से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर पेड़ पौधों की संख्या अधिक होगी, जहां पर पेड़ पौधों की मात्रा अधिक होगी, वहीं पर जो जीव जंतु हैं उनकी भी मात्रा, उनकी भी संख्या अधिक होगी, क्योंकि जीव जंतु आश्रित होते हैं किस पर? पेड़ पौधों पर। इसलिए जीव जंतुओं को क्या नाम दिया जाता है? परपोषी। क्या नाम दिया जाता है? परपोषी। यानी जीव जंतु तभी उत्पन्न हो सकते हैं, जीव जंतु तभी जीवित रह सकते हैं जब पेड़ पौधे हो। और पेड़ पौधों के विकास के लिए क्या आवश्यक है? पेड़ पौधों के विकास के लिए आवश्यक है मृदा, पेड़ पौधों के विकास के लिए आवश्यक है वर्षा, और पेड़ पौधों के विकास के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है, अर्थात टेम्परेचर। तो यहां पर आप समझिएगा मैं सारी बातों को लिंक कर रहा हूं। अगर हम बात करते हैं जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक की, तो जैव विविधता को प्रभावित करने वाला पहला कारक हो जाएगा आपका तापमान। जहां पर तापमान अधिक होता है बाबू, वहां पर वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। लेकिन वर्षा को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारक तापमान नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वर्षा अधिक होनी होनी है। 90% केसों में तो यही होता है, लेकिन 10% केस ऐसे भी है जहां पर यह प्रक्रिया नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्र में तापमान अधिक होने के बावजूद भी वर्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वर्षा तभी हो सकती है बाबू जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है जल का होना। राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्र में जल नहीं होने के कारण वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती, इसका एक कारण है। तो तापमान याद रखिएगा, तापमान जहां पर भी होगा वहीं पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी 90% केस में। तो हम कह सकते हैं यदि पहला जैव विविधता को प्रभावित करने वाला पहला कारक यदि तापमान है, तो दूसरा कारक हो जाएगा वर्षा। अब समझिएगा, यदि वर्षा की मात्रा अधिक होगी तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे या वनस्पतियों का विकास भी अधिक होगा। तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों का विकास भी अधिक होगा। आपने ऐसा कई बार देखा होगा, उदाहरण के तौर पर मान लीजिएगा, मैं ऐसे समझा देता हूं आपको। उदाहरण के तौर पर आपसे कहा जाए, मान लीजिएगा आपके पास एक गमला है और एक गमला ये है, दो गमले हैं आपके पास। इस वाले गमले में आप डेली पानी डालते हैं, इस वाले गमले में आप डेली पानी डालते हैं, और इस वाले गमले में आप पानी नहीं डालते हैं। तो जिस गमले में आप डेली पानी डालते हैं वहां पर पेड़ पौधों की संख्या अधिक होगी, और यदि वहां पर वृक्ष हैं या वनस्पतियां हैं या कोई पौधा लगा हुआ है, तो उस पौधे में कई सारे जीव जंतु भी होंगे जो अपने भोजन की प्राप्ति उस पौधे से कर रहे होंगे। अर्थात जिस गमले में आप डेली पानी डालेंगे, जिस गमले में हम हमेशा पानी डालेंगे, वहां पर पेड़ पौधों की संख्या अधिक होगी और जीव जंतु की संख्या अधिक होगी, अर्थात वहां की जैव विविधता अधिक हो जाएगी। और ऐसा गमला जहां पर पानी नहीं डाला जा रहा है जिसमें, तो जाहिर सी बात है वहां की जैव विविधता क्या होगी? कम होगी। वहां पर वनस्पतियों का विकास कम होगा, वहां पर पेड़ पौधों का विकास कम होगा, ठीक ना, वहां पर जीव जंतु कम पाए जाएंगे। तो पहला कारक तापमान, दूसरा कारक वर्षा, तीसरा कारक समझिएगा, तीसरा कारक जैव विविधता को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक मृदा। अब तो ये समझ में ही आ रहा होगा आपको कि पेड़ पौधों के विकास के लिए मृदा का होना आवश्यक है। यदि मृदा नहीं होगी तो जड़ें कहां पर उत्पन्न होंगी या जड़ों का विकास कैसे हो पाएगा? तो तीसरा कारक मृदा हो गया। और चौथा कारक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा कारक हो जाता है ढलान, ठीक ना, या ऊंचाई लिखता हूं मैं, ऊंचाई, ढलान या ऊंचाई, ठीक ना। चलिए इस वाले पॉइंट को हम लोग समझते हैं, ढलान या ऊंचाई किस प्रकार इफेक्ट डालता है। देखिएगा, ऊंचाई ऑब्लिक ढलान या ढाल,
स्लोप बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए समझते हैं, मान लीजिएगा एक कोई एक पर्वतीय क्षेत्र है, मान लीजिएगा यहां पर कोई एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहां पर बादल बन गए हैं और बादल बनने के बाद यहां पर वर्षा होती है। बादल बन जाने के बाद यहां पर क्या हो रही है, तो यहां पर ये वर्षा हो रही है, दिख रहा है, ठीक है, यहां पर वर्षा हो रही है। तो बाबू यहां पर जो मृदा है, यहां पर मान लीजिएगा मिट्टी पाई जा रही है, हमें मिट्टी ग्रे कलर की होती है, ग्रे कलर दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं ये बना रहा हूं। मान लीजिएगा यहां पर ये मृदा है, तो जैसे ही यहां पर वर्षा होगी, तो वर्षा होने के कारण जब पानी लगातार यहां से तेज गति से ढलान पर, पानी जब तेज गति से प्रवाहित होगा, जब ढलान पर तेज गति से पानी प्रवाहित होगा, तो यहां की मिट्टी का धीरे 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 यहां की मिट्टी का क्या हो जाएगा, यहां की मिट्टी का धीरे 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 कटाव हो जाएगा। और ये मिट्टी जो यहां से बह जाएगी पानी के साथ, इसका कटाव हो जाएगा, यह मिट्टी जाएगी और जो घाटी क्षेत्र है यहां पर ये मिट्टी एकत्रित हो जाएगी, तो घाटी क्षेत्र में अधिक मात्रा में किसका विकास हो जाएगा, तो घाटियों क्षेत्रों में अधिक मात्रा में वनस्पतियों का विकास हो जाएगा। यदि घाटी क्षेत्र में वनस्पतियां पाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है वहां पर जीव जंतु भी पाए जाएंगे, इसलिए घाटी क्षेत्रों की जैव विविधता अधिक होती है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों की जैव विविधता कम होती है। अब देखिएगा यहीं पर मैं घाटी की आपसे चर्चा कर लेता हूं। एक घाटी है, इस घाटी का नाम है शांत घाटी, घाटी और घाटी का नाम है शांत घाटी, साइलेंट वैली बोलते हैं इंग्लिश में। शांत घाटी की अगर हम बात करते हैं तो शांत घाटी कहां है, केरल राज्य में है। केरल राज्य में वर्षा अधिक होती है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो केरल के कुछ पर्वतीय क्षेत्र है नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम, यहां से मानसून टकराता है और पर्वतीय क्षेत्रों पर वर्षा करता है, तो पर्वतों की जो मिट्टी है वो बह के घाटी में एकत्रित हो जाती है, मिट्टी की मोटाई बहुत अधिक हो जाएगी, क्या मृदा, जहां पर मृदा की मोटाई अधिक होगी वहां पर अधिक मात्रा में वनस्पतियों का विकास होगा। तो घाटी क्षेत्रों में मिट्टी का जमाव हो जाता है और मिट्टी के जमाव होने से ही घाटी क्षेत्रों में बहुत सारी वनस्पतियों का विकास हो जाता है, जिस कारण से यहां की जैविकता अधिक हो जाती है। शांत घाटी का नाम इसलिए शांत घाटी पड़ा क्योंकि यहां पर बहुत सघन, बहुत घने वृक्ष पाए जाते हैं, जहां पर मानव का प्रवेश हो पाना संभव नहीं है और बाहरी जानवरों का भी प्रवेश हो पाना संभव नहीं है। यदि मानव जंगल में जाता है या मानव किसी उपवन में, किसी बगीचे में जाता है, तो वो क्या करेगा, तो पिकनिक मनाने जाएगा या जानवरों का शिकार कर सकता है या वृक्षों की लकड़ियों को काट सकता है, वृक्षों की कटाई कर सकता है। तो जब एक वृक्ष पर एक कुल्हाड़ी के द्वारा कटाई की जाती है तो कट 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 की आवाज आती है। अगर आप किसी जानवर का शिकार कर रहे हैं तो जानवर तेज गति से भाग रहा होता है, जानवर तेज गति से भाग रहा होगा अपनी जान बचाने के लिए और वो अपने समुदाय को, लोगों को बुलाने के लिए जोर जोर से चिल्लाता भी है, जोर जोर से चिल्लाता भी है। तो यहां पर ना तो जानवरों का शिकार हो पाना संभव है सघन वनस्पति कारण, और ना ही यहां पर मानव का प्रवेश हो पाना संभव है, ना ही यहां पर कटाई की जा सकती है, जिस कारण से जो केरल की घाटी है इसमें हमेशा शांति बनी रहती है, इसलिए नाम दे दिया गया साइलेंट वैली। क्या नाम दे दिया गया, नाम दिया गया इसको साइलेंट वैली। आपसे कई बार पूछा जाता है सर्वाधिक जैव विविधता वाली घाटी कौन सी है, तो सर्वाधिक जैव विविधता वाली घाटी आपकी है कौन सी, शांत घाटी। कहां पर है, तो याद रख लीजिए बाबू, शांत घाटी आपकी केरला में है, केरल में, ठीक ना। यहां देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा है मृदा, तो यहां पर मृदा को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, तो मृदा की मोटाई लिख लेते हैं, यहां पर मृदा की मोटाई, जहां पर मिट्टी की मोटाई अधिक होगी, जहां पर मृदा की मोटाई अधिक होगी वहां पर वनस्पतियों का विकास अधिक होगा, और जहां पर मिट्टी की मोटाई, मृदा की मोटाई कम होगी वहां पर वनस्पतियों का विकास कम हो पाएगा, और वनस्पतियों का विकास कम हो पाएगा। तो जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अब इन पे देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो समझाएंगे हम। तो आप इसको बनाइए जल्दी से, देखिएगा ये ग्लोब है, ये ग्लोब है आपका, और इस ग्लोब पर यहां पर एक रेखा है, एक विषुवत रेखा है जीरो डिग्री अक्षांश है, ये विषुवत रेखा है जीरो डिग्री अक्षांश है। इस रेखा के ऊपर वाला भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री नॉर्थ और यहां पर दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। विषुवत रेखीय क्षेत्र में या विषुवत रेखा पर
विषुवत रेखीय क्षेत्र में या विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होता है, साथ ही साथ यहां पर वर्षा भी अधिक होती है। तो तापमान अधिक होगा साथ ही साथ वर्षा अधिक होगी तो यहाँ की बायोडायवर्सिटी अधिक पाई जाएगी, बीडी यहाँ की अधिक पाई जाएगी, यहाँ की बायोडायवर्सिटी क्या होती है, अधिक होती है। जैसे जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र से आप चाहे 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव की ओर जाइएगा या आप 90 डिग्री साउथ दक्षिण ध्रुव की ओर जाइएगा, चाहे उत्तर ध्रुव की ओर जाइए चाहे दक्षिण ध्रुव की ओर जाइए, तापमान में कमी आती है। तापमान में क्या आती है, तापमान में कमी आती है। तो यहां पर 90 डिग्री पर यहां पर तापमान कम होता है और तापमान कम होने के कारण यहां पर वर्षा भी क्या होती है, वर्षा भी कम होती है, जिस कारण से यहां की जो बीडी है बायोडायवर्सिटी है वो कम पाई जाएगी। तो ध्रुवीय क्षेत्रों पर चाहे जिस प्रकार यहां वैसे यहां पर 90 डिग्री एस पर भी तापमान कम है, इसलिए यहां पर वर्षा जो रेन होगी वर्षा भी यहां पर कम होगी और वर्षा के कम होने के कारण यहां का जो बीडी है बायोडायवर्सिटी है वो भी क्या पाई जाएगी, कम। तो ध्रुवीय क्षेत्रों पर कम जैव विविधता पाई जाती है जबकि विषुवत रेखा पर या विषुवत रेखीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्र की बात करें तो दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ का क्षेत्र होता है, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र कहलाता है। तो विषुवत रेखा पर तापमान के अधिक होने के कारण यहाँ की जैव विविधता अधिक पाई जाती है जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होने के कारण वर्षा की मात्रा कम होती है जिस कारण से यहाँ की जैव विविधता कम पाई जाएगी, जिस कारण से यहाँ की जैव विविधता कम पाई जाएगी, ठीक ना। यहां से कई बार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी में यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक ना। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं कि यदि हम 0 डिग्री से विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तब भी बायोडायवर्सिटी में कमी आएगी और दक्षिण में जाएंगे तब भी बायोडायवर्सिटी में कमी आएगी, ठीक ना। अगर मान लीजिए वो कहता है कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाइएगा, चाहे उत्तर से दक्षिण या चाहे दक्षिण से आप उत्तर की ओर जाइएगा, तो देखिएगा जब एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर आएंगे तो जब यहां से यहां जा रहे हैं तो जैव विविधता में कमी आ रही है, तो 90 डिग्री से 0 डिग्री तक आएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी और फिर 0 से 90 जाएंगे फिर से घटेगी। तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाने पर चाहे उत्तर से दक्षिण जाइए चाहे दक्षिण से उत्तर जाइए तो एक ध्रुवीय क्षेत्र से दूसरे ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने पर जैव विविधता में पहले वृद्धि होती है उसके बाद कमी आती है। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, आपसे, ठीक ना। चलिए थोड़ा इसे चला दीजिए, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहां से कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनके डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। चलेगा थोड़ी सी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूं कि जो यूपीटीईटी का ऑनलाइन मैच चलाया जाएगा उत्तर भारत के सबसे अच्छे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की ओर से, कार्मिक आयोग की ओर से, उसमें एंट्री उसमें प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें एंट्री टीईटी लिखकर सेंड करना है व्हाट्सएप के माध्यम से। टेक्स्ट मैसेज मत कीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें एंट्री भेजेंगे और यहां पर हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, प्रवेश प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी। आप निष्फिक्र रहिएगा आलोक सर और रवि सर के निर्देशन में बिल्कुल जैसे बैच चलते आ रहे हैं उसी तरीके से बैच चलेगा और कोशिश की जाएगी कि उसे भी आपको बेस्ट दे सके, चाहे क्लास नोट्स हो, चाहे मटेरियल हो आपका, डाउट सेशन हो, मैराथन क्लास हो, प्रैक्टिस सेशन हो, आपको टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ अवेलेबल होगा, सब कुछ मिलेगा और निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में पास भी होंगे, निश्चित रूप से। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो मोबाइल उठाइए अपना, व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर एंट्री टीईटी लिखकर हमें सेंड कर दीजिएगा और जल्दी से अपना प्रवेश सुनिश्चित करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता को और समझते हैं। देखिएगा इतना हुआ, तो जैव विविधता को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं, इन कारकों पर हमने बात कर ली, तापमान पर बात कर ली, और अगर तापमान बात कर ली तो वर्षा पर, और मोटाई और ऊंचाई पर हमने आपसे पहले ही बात की है, ठीक है ना। आगे चलिएगा, अब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, भारत में कहां पर जैव विविधता अधिक है और कहां पर जैव विविधता कम पाई जाती है। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी भारत में जैव विविधता, ठीक ना। चलिए यहां पर एक मैं छोटा सा भारत का मानचित्र ले लेता हूं। चलिए ये भारत है हमारा और यहां से एक रेखा गुजरती है भारत के निचले क्षेत्रों से, इस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा,
भारत 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है, ठीक ना, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है। मैंने आपको ये बताया है कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं 90 डिग्री होगा। तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री से 90 डिग्री ओर की ओर जाएंगे, तापमान में कमी आएगी, साथ ही साथ वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी, और तापमान में वर्षा में कमी आने के कारण बीडी जो होगा आपका, बायोडायवर्सिटी जो होगी, उसमें भी कमी आएगी। यहां पर भारत के बीचोंबीच से एक महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो जैव विविधता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक वर्षा भी है। अगर हम भारत में वर्षा की बात करते हैं तो भारत में औसत वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर मानी जाती है, कि औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर है। इसमें भी तीन ऐसे क्षेत्र हैं, एक तो ये हुआ, इस क्षेत्र का नाम है आपका पश्चिमी घाट, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट है आपका, वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी घाट। और दूसरा क्षेत्र एक है, और इस क्षेत्र का नाम है पूर्वी घाट, ईस्टर्न कोस्ट। और यहां पर हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत का अगर हम यहां से वर्गीकरण कर दें तो ये पश्चिमी हिमालय है और ये पूर्वी हिमालय है। नेपाल से हम वर्गीकरण करते हैं तो एक क्षेत्र यह बन जाता है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में औसत वर्षा होती है, औसत वर्षा होती है, या हम कह सकते हैं अधिक मात्रा में वर्षा होती है। और अधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं भारत में, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। और कई बार पूर्वी हिमालय की जगह पर आपको मेघालय का नाम भी लिखा मिल जाएगा, तो मेघालय पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आता है। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और आपका पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, जहां पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस बात को आपको याद रखने हैं। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होगा ये, ठीक ना। अगर इसी को हम विश्व के संदर्भ में देखते हैं, अगर हम इसी को फिर से विश्व के संदर्भ में देखें कि कहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी और कहां पर जैव विविधता कम पाई जाएगी, देखिएगा। तो यह आपका ग्लोब है, यह आपका ग्लोब है, और यहां पर एक रेखा गुजर रही है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अगर हम बात करें तो यहां पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये साउथ अमेरिका है। यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप है। यहां पर बात करें तो एशिया के निचले वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है, ये आपका एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया, तो दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग, अफ्रीका का वह भाग जहां से होकर आपकी विषुवत रेखा गुजर रही है, और दक्षिण अमेरिका का वह भाग जहां से होकर आपकी विषुवत रेखा गुजर रही है। तो इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। इसको हम थोड़ा सा साइड से कर देते हैं, बड़ा रोचक आपको समझाते हैं, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, सॉरी साउथ अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका, तो अगर दक्षिण अमेरिका की बात की जाए, ये रहा दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका में एक नदी प्रवाहित होती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, अमेजन नदी। तो अमेजन नदी विषुवत रेखा के लगभग समांतर प्रवाहित होती है, और समांतर प्रवाहित होने के कारण अमेजन नदी, अमेजन नदी की जो घाटी है वो, उसमें क्या है, वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, यहां की सर्वाधिक बीडी है, ठीक ना। ये दक्षिण अमेरिका की बात हो गई। अब यहीं पर अगर हम अफ्रीका की भी बात कर लेते हैं, अफ्रीका में एक ऐसी रेखा है, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में एक रेखा है, विषुवत रेखा है, और एक नदी बहती है यहां पर, कांगो जायरे नदी, कांगो जायरे, कांगो जायरे नदी। एक कांगो जायरे नदी क्या करती है, विषुवत रेखा को दो बार डिवाइड करती है,
विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो जायरे है। तो ये विषुवत रेखा के आसपास यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में बहती है और विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक होने कारण वर्षा अधिक होती है। इसी कारण जो अमेजन कांगो जायरे नदी की घाटी है ए बी सर्वाधिक बीडी वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी है यहां पर भी, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी सर्वाधिक बीडी है, सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी है। तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी की घाटी का क्षेत्र और अफ्रीका महाद्वीप में कांगो जायरे नदी का क्षेत्र, और एशिया की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र जहां पर आपका इंडोनेशिया का क्षेत्र आ जाता है, इंडोनेशिया का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया का क्षेत्र आ जाता है, जावा सुमात्रा द्वीप का क्षेत्र आ जाता है, तो यहां की जैव विविधता पूरे विश्व में सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों से विषुवत रेखा गुजर रही है और विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण वर्षा की मात्रा क्या होती है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है। ठीक ना, तो भारत के संदर्भ में अगर भारत का पूछा जाए तो पूर्वी घाट, पश्चिम घाट और मेघालय या पूर्वी हिमालय, अगर विश्व में पूछा जाए तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी घाटी और अफ्रीका महाद्वीप में कांगो जायरे नदी घाटी के क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। संज्ञा की बात चले तो ये विश्व का हो गया और विश्व के पहले भारत का बताए। अब देखिए भारत में और समझाते हैं आपको, ठीक ना, और चीज यहां पर समझिएगा। चलिए मैं ग्रीन ले लूं, ब्लैक ले लेता हूं। जैसे जैसे आप भारत के ये वाला दक्षिणी छोर है भारत का और ऊपर वाला ये उत्तरी छोर है, तो जैसे जैसे आप भारत में दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर की आएंगे, दक्षिण छोर से आप उत्तर छोर की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी होगी। सबसे दक्षिण में अगर बात करें तो तमिलनाडु है, टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। सबसे उत्तर में बात करें तो लद्दाख है, टेम्परेचर कम पाया जाता है। तो दक्षिण की बायोडायवर्सिटी अधिक होगी उत्तर भारत के अपेक्षा, तो यहां पर तमिलनाडु राज्य और केरल राज्य की बायोडायवर्सिटी सर्वाधिक पाई जाती है। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो भारत के किस राज्यों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में। और यहां पर कहां पाई जाएगी, तो यहां पर सबसे कम कहां पाई जाएगी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, क्योंकि विषुवत रेखा से बहुत दूर है और विषुवत रेखा से दूर होने के कारण तापमान की प्राप्ति कम होती है, साथ ही साथ वर्षा की मात्रा यहां पर कम होती है। तो वर्षा और तापमान के कम होने के कारण यहां की जैव विविधता क्या पाई जाएगी, यहां की जैव विविधता आपकी कम पाई जाती है। बोलिएगा इतनी बातें क्लियर है, तो ये आपकी जैव विविधता होगी। जैव विविधता शब्द किसने दिया, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, कहां पर जैव विविधता अधिक होगी, कहां पर जैव विविधता कम होगी, इन सारी चीजों की हमने आपसे चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें हम बात करेंगे आपसे जैव विविधता के संरक्षण की विधियां। तो जैव विविधता मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे, तो जीव जंतु और संरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षण का मतलब है सुरक्षा। तो आखिर हम क्यों जीव जंतु और पेड़ पौधों को सुरक्षा दे रहे हैं, जैव विविधता के संरक्षण की विधियां। जैव विविधता अर्थात जीव जंतु और पेड़ पौधों पर संकट है, वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम उनको संरक्षण देंगे। तो जैव विविधता के संरक्षण की विधियां पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और एक बार फिर से आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि टारगो तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में 2020-21 के लिए यूपीटीईटी का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में प्रवेश पाने के लिए आपको इस नंबर पर क्वेरी करनी है, एंट्री टीईटी लिखकर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा। साथ ही साथ जो स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं आप उन पर भी बात कर सकते हैं हमारे काउंसलर से, और इस पर अगर आप भेजेंगे तो तुरंत आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। और निष्फिक्र रहिएगा, जितने भी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, नोट्स हो, चाहे शॉर्ट नोट्स हो, क्लास नोट्स हो, ठीक ना, हैंडराइटिंग नोट्स हो, प्रिंटेड नोट्स हो, मटेरियल हो, जितना भी जो कुछ भी हो सकता है वो संस्थान आपके लिए हमेशा करता है और हमेशा करता रहेगा और निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।